क्वेश्चन नंबर 18। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड असाइड टू मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द वेट डब्ल्यू ऑफ द बॉब अबाउट द वे अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। वेन इज द टॉर्क जीरो? तो ये सिंपल पेंडुलम, इसको अपन खींच के यहां तक ले आए ऐसे, और बोल रखा है कि ये एंगल जो है वो थीटा है। अब इस बॉब का वेट लगेगा यहां पर डब्लू, इस डब्लू को अपने को टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक, तो क्या कर सकते हैं अपन, वही बात है भाई, ये वेट जो वेट फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है, उससे ये वाली जो दूरी है वो दूरी कितनी है भाई, ये डिस्टेंस कितना है, एल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाली लेंथ क्या हो गई, एल साइन थीटा। ठीक है, तो एल साइन थीटा यानी कि आर परपेंडिकुलर हो गया एल साइन थीटा, और फोर्स क्या है भाई, फोर्स है डब्ल्यू, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा इंटू डब्ल्यू, सिंपल। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है आगे कि वेन इज द टॉर्क जीरो, तो ठीक है भाई, साफ साफ दिख रहा है टॉर्क की इक्वेशन में साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा जीरो कब होएगा, जब थीटा जीरो होएगा, यानी कि जब ये बॉब नीचे आते भैया, यहां से रिलीज करोगे तो नीचे आएगा ना ये बॉब, ऐसे नीचे आएगा, तो जब ये यहां पर पहुंच जाएगा वापस अपने इनिशियल पोजिशन पे, तो वेट ऐसे लगेगा। तो बेसिकली वेट जो है वो इस जिस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क निकाल रहे हैं, उस पॉइंट के जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो उस पॉइंट से ही पास होएगा, तो टॉर्क जीरो होएगा। ठीक है, और या फिर मैथमेटिकली ऐसे भी देख सकते हो कि भैया साइन थीटा जब जीरो होगा, यानी कि थीटा जीरो होएगा, थीटा कब जीरो होएगा, जब वो अपनी इनिशियल पोजिशन में वापस आएगा, उस समय टॉर्क जीरो होएगा।